How dare he send me such personal gifts? मैंने लंच पे उसे सब समझाया था ना क्लियरली, मैं ये नहीं पहनूंगी, दिस इज वेरी रॉन्ग। हैरी ने तुम्हें ये डिजाइनर ड्रेस दी, अब तुम इसे पहन के उसके इवेंट में जा रही हो, जहाँ वो खड़ा होगा बाहर तुम्हें रिसीव करने के लिए, और जैसे तुम जाओगी तुमको ऊपर नीचे चेकआउट करेगा, बोलेगा वाओ यू आर लुकिंग सो हॉट, और तुम इतराओगी, बोलोगी थैंक यू, मतलब हो गया ना काम। क्या करना चाहिए आपकी पर्सनल मैनेजर को? मेरी पर्सनल मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन होगी कि उसको मेरे साथ रोज कॉफी पीनी पड़ेगी, कभी कभी वाइन, और आप पूरा टाइम मेरे को ज्ञान बांटें। तुम ये कुकी खाओ। क्यों अपनी जिंदगी को तू सत्यानाश करने में तुला है भाई? सत्यानाश कर नहीं रहा हूं यार, साला ऑटोमेटिकली हो रहा है। वहां एक तरफ वो आरामजादा हैरी हाथ धो के आना के पीछे पड़ा हुआ, अब ये दूसरी तरफ पूनम। न जाने क्यों ये एहसास, अब तुम ही तो हो जिंदगी में, हाँ तुम ही तो हो जिंदगी Where's dad? Oh, I don't know. तुम्हारे साथ थे ना? अब नहीं है। तुम्हें अगर अपनी ही चॉइस की ड्रेस पहननी थी तो फिर तुमने मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? बानी, मुझे इस ड्रेस के बारे में और बात ही नहीं करनी है। Not tonight. Please? Okay. Care for some wine? Sure. Okay. Dude, not cool. उन्हें तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। Are all men like this, such weirdos? क्या ये शादी एक weird सी चीज है? क्यों ना शादी के पहले आर्या बहुत डिफरेंट था। आई मीन वो तब भी स्टूपिड बातें करता था लेकिन क्यूट लगता था। वो कभी कभी घर पे भी आता था डैड से टाई बनवाने के लिए, क्योंकि उसे टाई बांधनी नहीं आती थी, पर एक्चुअली वो सिर्फ मुझे देखने आता था और दिखाने आता था कि वो सूट पहन के आया है। यू नो आई थिंक कि यू स्टिल लव आर्या, यू आर मिसिंग हिम। Call him, na? No, Ananya, just back off. Well, this was fun. Good night. Good night. Hi. Hi. Such an idiot, you know. Big idiot. Oh, you're drunk. Oh, I'm not drunk. Kim? Kim? Guri mil gaya tha to. Ek, do, thodi pili uske saath. But I'm telling you. What?
डोंट रिंग नाउ ना, हो गया बस. वेरी नाइस. आई मिस्ड योर बिग मोमेंट. नो, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था आज. सॉरी. यू नो, मैं गाड़ी में सोच रहा था, पानी और निक्की के लिए तुमने इतना कुछ किया, उनको संभाला, मेरे बर्थडे पे तुमने इतनी अच्छी पार्टी दी. Did I behave like this यार? You know, ये हैरी जैसे जो लोग हैं ना, ये मंकी टाइप उन्होंने फर्क नहीं पड़ता मुझे उनसे इतना. या पता नहीं मैं. Let's go. Yeah, but listen, no, I'm listening. Come. I, from inside, I really appreciate it. Chalo, chalo. Ek drink peeta na? Nahi, nahi, bilkul nahi. Time to sleep. Jesus. 3 o'clock. Oh. Come, I'll hold you. No, I'm okay. I'm okay. You come. What? Yeah, I'm okay. Dheere. Nikki! Nikki, mere golden stilettos kahan hai, yaar? I can't find them. यार इस घर में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है. उस घर में भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा था. वहां अनन्या ने मेरी आधी से ज्यादा चीजें पता नहीं कहां रख दी है. Can't find anything. इस रूम में भी वही हाल है. Oh, listen. Firstly, ना, it's not your room. और secondly, तू इतना क्रिप क्यों कर रही है? वैसे भी तुझे वो सेक्सी लॉन्ड्री की जरूरत क्या है? हस्बैंड से तो वैसे भी ब्रेक ले लिया है. What? क्या बोल रही है तू? हाँ, इसी के बारे में तो तू लड़ती रहती है ना उससे. तूने फिर से मेरा फोन हैक किया, राइट? अरे बट लिसन नीचे यार, ये कॉल यार, अगेन एंड अगेन. अली बाबा के जमाने से सेम पासवर्ड रख रखा है. इधर इट्स योर बर्थडे और हिज. निक्स नॉट फेयर. ओके, आई एम गोना किल यू. अरे लिसन 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 लिसन. पहले तुम लोग के चैट्स कितने रोमांटिक हुआ करते थे, सलीम और अनारकली जैसे. तुम्हारे बाल कितने सिल्की है, तुम्हारे होंठ कितने गुलाबी है. एंड नाउ it's like सलीम एंड अकबर. निकी यार, और तुम यू कांट डू दिस. यू कांट चेक आउट ऑन माय फोन. लिसन लिसन, यू रिमेंबर दैट वो पिंक टेडी वाला डिस्कशन? अरे बस करो. ये बच्चे भी ना आजकल पता नहीं कैसे हो गए. बताओ, अभी भी टेडी बियर पे लड़ रहे हैं? दीदी, टेडी बियर नहीं. तो बुरा लगा ना? लगा ना बुरा यार. पहले तुम लोग कितने अमेजिंग कपल हुआ करते थे, और अभी तुम्हारा पॉटी, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो. 3 घंटा लगाता है बाथरूम में. क्या करता है? Actually, पता है? I'll tell you क्या करता है. जो तू नहीं करती ना, वो खुद कर लेता है. निकी, मुझे ना तेरे साथ रहना ही नहीं है, ठीक है? हाँ, listen, तेरे साथ रहना कौन चाहता है? ना मैं, ना तेरा प्यारा पति. निकी, you know, you've really crossed your limits, okay? और इसके बाद थे, कुछ नहीं बोली तो समझ गई. What's going on, हाँ? तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? वानी, stop fighting with your sister. Actually, mom, I think you should stop fighting with my sister. Nikki? Oh. I'm fed up, really. मैं तंग आ गई हूँ दोनों से. इस घर कुछ समझना ही नहीं चाहता है. मुझे तो लगता है कि इस घर में मुझे कोई नहीं समझना चाहता. मैं वैसे भी इस घर में कुछ सामान लेने के लिए आई थी जो मुझे मिला ही नहीं. I'm guessing कि वो सारा सामान निकी ने अपने ऑनलाइन पोकर की हैबिट की वजह से बेच दिया होगा ना. पानी, stop it. बाय दादी, बाय बुआ, आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क. बाय. माँ, एक सच बात बताऊं, हमें ना इस घर से निकल जाना चाहिए. इन बच्चों के साथ रहना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. आप और मैं एक छोटे से घर में जाके रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे. अच्छा, मैं बाहर जा रही हूँ. कहाँ? पार्लर. अब बताइए, ये पिंक टेडी बियर का क्या चक्कर है? कुछ नहीं है, कॉलेज में उनके कुछ पिंक पैंटीज या कुछ बॉयफ्रेंड के बारे में बातें. जरा पकड़. एक्सक्यूज मी सर. क्या? एक कॉल. हेलो. ठीक लग रहा है रोहित. इट्स फाइन. इतने बड़े घर में रहने के बाद अब यहाँ रहोगी? सुबह प्रॉपर्टी डीलर्स का फोन आया था. फार्म हाउस का डिस्ट्रेस सेल होगा. मार्केट रेट से कम पैसे मिल सकते हैं.
ये नौबत नहीं आएगी. मैंने डिसाइड कर लिया है फार्म हाउस नहीं भेजेंगे. आई कांट, जो पैसे हैं वो कर लूंगा कहीं से जुगाड़ में. आर यू श्योर? या श्योर. बच्चे ठीक है? कुछ मत पूछो. बानी सुबह घर पे आई है और दोनों की जम के लड़ाई हुई है. क्यों, फिर से लड़ाई होगी? सेम बातें, वही यूजुअल. निकी ने बानी का फोन हैक कर लिया और निकी तो निकी ने बानी का फोन हैक करना छोड़ा नहीं अभी तक. निकी तो बदलने वाली है नहीं, और बानी तुम्हारी तरह है, पासवर्ड नहीं बदलते. तुम्हें भी पता था मेरा पासवर्ड? कितनी बार तुमने मेरा फोन चेक किया? कभी भी नहीं. Why? Because you trusted me. नहीं, डरती थी कि कहीं कुछ गलत ना देख लूं. और फिर मैंने दूसरी औरतों की तरह डिसाइड कर लिया that the best thing is to ignore. Yeah, guess so. अच्छा, ये रंग बहुत जच रहा है तुम पर. सुंदर लग रही हो तुम. Really? Yeah, why are you surprised? I'm giving you a compliment. क्या क्या बात, क्या है? बदली बदली सी लग रही हो तुम. मतलब? Just a second. वैसे वहां कोने में जाने की जरूरत नहीं थी. मैं नहीं जागूंगा तुम्हारे फोन में. You trust me, Rohit. Yeah, that too. And also, ये पता नहीं फिर क्या क्या दिख जाए. You've lost that right. Right. बताओ ना पूरा क्या बात क्या है. तुम आजकल बड़ी इंडिपेंडेंट बातें करने लगी हो. चाल ढाल रंग ढंग सब कुछ बदल गया है. What's going on? क्या नया है तुम्हारी जिंदगी में? किसने बताया तुम्हें? क्या बताया? वही जो तुम पूछ रहे हो. I'm not stupid, Rohit. बताओ किसने बताया तुम्हें? I mean, just asking कि कुछ बताने लायक है तो बता दो. पूरा मैं 24-25 साल से जानता हूँ तुम्हें, और मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे. So, if there's something, then tell me. Rohit, बताने लायक कोई बात ही नहीं है. That's not true, Poonam. I swear there's nothing, Rohit. और मैं तुम्हें इतने सारे explanations क्यों दे रही हूँ? Poonam, उस लड़के की उम्र तुमसे बहुत ज़्यादा कम है. There's nothing embarrassing in it. इसमें कुछ गलत भी नहीं है. कि इतना यंग लड़का तुम्हें ऐसी निगाहों से देख रहा है तो. Just stop it, Rohit. Listen. सिर्फ तुम्हारा एक हस्बैंड नहीं, तुम्हारा दोस्त भी. इसलिए पूछ रहा हूँ. आज नहीं तो कल इस बारे में बात तो करनी पड़ेगी ना. I mean, अगर वो सीरियस है इस बात को लेकर तो सवाल उठेंगे. बच्चियों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा. कैसे करोगे? जो हो रहा है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. It's just that, you know, I'm feeling protective. No, Rohit. तुम अगर प्रोटेक्टिव होते तो मुझे छोड़कर ही नहीं जाते. Now that I'm taking care of myself, I don't need you. And believe me, there's nothing. So please. और मैं जानती हूँ तुम्हें किसने बताया है. पता है रोहित क्या कह रहा था? कि मैं बहुत खुश लग रही हूँ, कि वो लड़का बहुत यंग है. What is all this, yeah? अनन्या, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ शेयर नहीं किया. हमारी कभी कोई लड़ाई तक नहीं हुई. All I wanted from you was trust. And तुमने जाके उसे बता दिया. I really didn't expect this from you. Poonam, hold on one second. मैंने रोहित को कुछ नहीं बताया. No way. अगर तुमने नहीं बताया तो उसे ये सब कैसे पता चला? I don't know. You know, this is very weird. Because Rohit does not act like that. Are you sure तुमने उसे नहीं बताया? Poonam, I'm sure. मैंने कुछ नहीं बताया रोहित को. तुम उसे मिले कहाँ? We bumped into each other. Oh, okay. अनन्या, तुमने नहीं बताया तो फिर किसने बताया? मुझे नहीं पता.
उसे कोई सपना तो नहीं आ सकता ना, उसे जरूर किसी ने कुछ बताया है। एंड यू नो व्हाट अनन्या, हमारे बीच कुछ है भी नहीं, लेकिन रोहित को लगता है कि कुछ है। दिस इज रिडिकुलस। वो बार बार मुझसे कह रहा था कि मैं बहुत अट्रैक्टिव लग रही हूँ, यंग लग रही हूँ। कुछ है तो बच्चों को बताना पड़ेगा, मैं नहीं देखूंगा कभी भी तुम्हारे फोन में, क्योंकि कुछ दिख गया तो। एंड दीज आर नॉट रोहित्स वर्ड्स, वो मेरे साथ कभी ऐसी बात नहीं करता है। वो लड़का बहुत यंग है। यंग है का क्या मतलब? पहले तो उसका कोई कंसर्न ही नहीं होना चाहिए, और अगर उसकी ये सवाल है तो जरूर उसे किसी ने बताया है। हाँ यार, ठीक कह रहे तो गुरी, मेरी बीवी पूनम नहीं अनन्या है। मैं समझता हूँ यार, हर बात मैं पूनम के साथ शेयर नहीं कर सकता, यार अनन्या को बताना पड़ेगा कि मेरे इतने करोड़ों का लॉस हो गया, बट हो जाएगा रिकवर। चल, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। पहले बाथरूम में 15 मिनट लगते थे, अब 1 घंटा लगता है। यार फिर ये क्रीम लगा ली तुमने? I hate the smell. I think थोड़ी और लगा लेती हूँ। क्या? Yeah, what happened to you? Anyway, एक जरूरी बात बतानी थी तुम्हें। मुझसे? Really? How come? तुम्हारी सारी बातें नहीं हो गई क्या पूनम से अपनी सीक्रेट मीटिंग पे? What secret meeting? क्या तुम और पूनम आजकल हॉटलाइन पे हो क्या? ऐसा बोली सीक्रेट मीटिंग? क्या बोला उसने? व्हाट सीक्रेट मीटिंग? रियली? तुम मिले थे ना पूनम से? हाँ, तो और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे थे। एंड यू फाउंड अ वेरी अट्रैक्टिव, उसका कॉम्प्लेक्शन एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। व्हाट आर यू इवन ट्राइंग टू से ना? एनीवे, सी दिस इज, ये बहुत जरूरी है कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं। नो नो, आज मुझे कुछ नहीं सुनना, सम अदर टाइम। नॉट बिकॉज कि तुम्हारी एक्स वाइफ ने मुझे बताया कि तुम उससे मिले, बट बिकॉज यू आर रिपीटिंग हिस्ट्री। आई एम रिपीटिंग हिस्ट्री? हाउ? जब पूनम तुम्हारी बीवी थी तब तुम सीक्रेटली मुझसे मिलते थे, अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम सीक्रेटली पूनम से मिलते हो। वाओ, ब्रिलियंट यार रोहित। व्हाट आर यू गोइंग ऑन अबाउट सीक्रेटली मिलते हो, सीक्रेटली मिलते हो? यार कैन यू जस्ट पुट दिस असाइड फॉर अ व्हाइल और सुनो मैं क्या कहना चाहूँ। मुझे नहीं सुनना है रोहित, तुम पहले ना पूनम की मिस्ट्री सॉल्व करो। कौन है वो लड़का, कहाँ से आया है, क्या करता है? स्टॉक हिम, इन फैक्ट गो मीट हिम। व्हिच मैन? दैट बॉय। नो वंडर वो कह रही थी मुझे पता है तुमको किसने बताया। तुम्हें पता था और तुमने मुझे नहीं बताया कि उसकी लाइफ में कोई है। मतलब यू न्यू अबाउट हिम और तुमने मुझे बताया नहीं? क्यों बताऊं? व्हाई? तुम्हारा क्या लेना देना है सबसे? अना, तुम्हें पता था कि उसकी लाइफ में कोई है, फिर भी तुमने मुझे अब तक नहीं बताया। She is the mother of my children, so I'm just concerned about everybody. That's it. उसकी अपनी भी एक जिंदगी है कि नहीं? अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है, I'm really cool with that. I am. But what I'm not okay with is कि तुम पूनम से मिले और तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने छिपाई तो नहीं ना, बता देता तुमको। But more importantly, जो अभी बताना चाह रहा हूँ तुम सुन नहीं रहे हो यार। It was just a conversation. हाँ? कॉन्वर्सेशन से ही सब शुरू होता है रोहित, तुम्हारी मेरी। एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मुझे वो इंसान नहीं बनना जहां मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में किसी और से पता चले। दैट्स इट। गुड नाइट, आई हैव एन अर्ली मॉर्निंग मीटिंग, यू सी आई हैव अ करियर टू। Just being extremely unreasonable. I think Rohit ko pata chal gaya hai. I don't know what exactly that is, but yes, something. Main kuch galat nahi kar rahi hu. Keh raha tha ki young men tumse attract honge. मैं नहीं, रोहित कह रहा था। अभी मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूं क्या?
नहीं पर मैं तुमसे कुछ बात पूछूं? हाँ क्या तुम अभी भी रोहित से प्यार करती हो? नहीं। तुम काफी ऑर्गेनाइज्ड हो हाँ? Yeah, I like everything neat. My work, my clothes, my cupboard, and my relationships. स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान इतना मैं समझ गई तो तुम ये भी जानती हो कि ये बात अट्रैक्शन से काफी आगे बढ़ चुकी है। I really want you.